ये जो सीसीटीवी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी तस्वीरें सीएम सिटी करनाल के सेक्टर 6 से सामने आई हैं, जहां दो बाइक चैन स्नेचरों ने एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बनाया, वो भी दिन दहाड़े। इन सीसीटीवी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे दिन दहाड़े ये बदमाश चैन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सीसीटीवी में एक बाइक सवार दूर खड़ा दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरा बदमाश ठीक अपने शिकार के पीछे, यानी एक बुजुर्ग महिला के पीछे, जो टेम्पो वाले से सब्जियां खरीद रही है। कुछ देर बाद बुजुर्ग महिला के पीछे खड़ा बदमाश अपने बाइक सवार साथी को इशारा करता है और बाइक सवार साथी बाइक की स्पीड कम करता है। इसी बीच बुजुर्ग महिला के पीछे खड़ा बदमाश महिला के गले पर झपट मारता है और बुजुर्ग महिला से चेन छीनकर मौके वारदात से 9-2-11 हो जाते हैं। इस वारदात को लेकर पीड़ित दंपति ने क्या कुछ कहा, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। मैं सब्जी ले रही थी इधर से, मैंने तो देखा ही नहीं कौन गया कौन, तो पीछे से आया और वहाँ खड़ा हुआ, उसने चेन तोड़ी और बाइक पे बैठ के और चला गया। तो कितने, दो जने थे? दो जने थे। तो कुछ नंबर वगैरह नोट कर पाए हो बाइक का? बाइक का उसमें सीसीटीवी में देखे हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या कुछ मतलब सब्जी खरीद रहे थे आप? हाँ जी। लगभग कितने बजे की बात है ये? 9:30-10 की बात है, सुबह की बात है। हाँ, सुबह। तो कुछ पुलिस में कंप्लेंट वगैरह करवाई है? हाँ, की है पुलिस में। तो ऐसे पहले भी यहाँ पर होता रहता है? हो जाता, गली में हुई है पहले भी, पहले भी ऐसा हो चुका है। तो पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस करेगी अपनी कोशिश, पकड़ लेंगे। देखो तो सीसीटीवी फुटेज में नंबर साफ साफ आ चुका है, जो बाइक का नंबर है कुछ फेंट है वो यहाँ पे। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई पुलिस ने थोड़ा सा जो है ना, इन पे जो गलत नंबर की प्लेटें जो है लगा के घूमते हैं, उनको इंटेरोगेट करना चाहिए, जब भी क्राइम रुक सकता है। तो आज किस टाइम का हादसा और कहाँ पे हो? 9:45 पे है, सेक्टर 6 में। तो घर के बाहर बिल्कुल बाहर, बिल्कुल गेट के सामने से ही हुआ है। तो पल्सर बाइक थी या कोई? पल्सर बाइक थी। तो दो लोग थे? दो लोग थे। तो किसी का चेहरा भी पहचान में आ पा रहा है? चेहरा पे वो मास्क लगाए हुआ है उन्होंने। तो पुलिस को जानकारी दे दी? हाँ, वो FIR लॉज करा दी है हमने। तो सीसीटीवी कब्जे में लिया पुलिस ने? हाँ, ले लिया है। क्या कुछ प्रशासन से क्या कुछ अपील करना चाहिए? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे हम तो, जो है क्राइम पे जो है ना अंकुश लगाया जाए, जितना भी जो कुछ है, कि डे बाय डे बढ़ रहा है। पीछे भी यहाँ सेक्टर 6 मार्केट में 2-3 दुकानों के रात को जो है ना ताले तोड़ के चोरी करके गए हैं और अभी तक भी उनका भी कोई सुराग नहीं लगा है। फिलहाल मामले को लेकर महिला ने बताया है कि वो सब्जी ले रही थी, इसी बीच उसके पीछे से एक युवक आया, चेन तोड़ी और दूसरे के साथ बाइक में बैठकर भाग गया। इसकी पुलिस को सूचना दी है, सीसीटीवी की फुटेज भी पुलिस को दी गई है। गली पहले भी ऐसी घटना हुई है। महिला के पति ने बताया है कि पुलिस को बाइक की जांच सख्ती से करनी होगी। पल्सर बाइक पर युवक भाग गए, एक ने चेहरे पर हेलमेट तो दूसरे ने मास्क लगाया हुआ है, चेहरे साफ नहीं नजर आ रहे हैं। सेक्टर 6 में लगातार चोरियां हो रही हैं। फिलहाल पुलिस ने बुजुर्ग दंपति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और बाइक सवार चैन स्नेचरों को दबोचने के लिए जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल उठता है कि प्रदेश के सीएम सिटी होने के बावजूद भी करनाल में चैन स्नेचिंग जैसी वारदात लगातार बढ़ रही है, जो सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।